एक्सक्यूज रे ऑफ पॉजिटिव। बॉलीवुड में ड्रग्स केस खुलने के बाद से लगातार करण जौहर की एक पार्टी चर्चा में थी, जहां बॉलीवुड के सभी बड़े सितारे शामिल थे। इस पार्टी का एक वीडियो बाहर आया था, जहां सभी सितारे नशे में धुत लग रहे थे और कहा गया कि सब ने ड्रग्स लिया हुआ है। वहीं दूसरी तरफ रकुल प्रीत सिंह ने भी एनसीबी से अपनी पूछताछ में धर्मा प्रोडक्शन से जुड़े कुछ लोगों का नाम बताया, जिन्हें करण जौहर के साथ ही कहा जा रहा था। अब करण जौहर ने इन सारी बातों पर एक साथ बयान जारी किया है। करण ने इस बयान में साफ लिखा है कि कई न्यूज चैनल लगातार ये झूठी खबर चला रहे हैं कि मेरे घर पर हुई पार्टी में लोगों ने नारकोटिक्स पदार्थ लिए थे। ये सारी खबरें झूठी हैं और आपत्तिजनक हैं। ये गलत खबरें हैं जो मेरे बारे में फैलाई जा रही हैं। करण जौहर ने कहा कि मैंने 2019 में भी साफ किया था कि इस वीडियो में किसी ने ड्रग्स नहीं ली थी, और मैं फिर से एक बार साफ करता हूं कि इस पार्टी में किसी भी प्रकार की कोई भी नारकोटिक्स पदार्थ का इस्तेमाल नहीं हुआ था। करण ने लिखा, मेरे बारे में जो जानबूझकर छवि खराब करने का कैंपेन चलाया जा रहा है, उसके बीच में दोहराता हूं, ये सारी बातें बेबुनियाद हैं। मैं साफ कर दूं कि मैंने कभी नारकोटिक्स पदार्थों का सेवन नहीं किया और न ही मैं इन्हें बढ़ावा देता हूं। करण ने कहा कि ये जो पूरा कैंपेन चल रहा है, वो हमारी कंपनी और कर्मचारियों की छवि को नुकसान पहुंचा रहा है, और इसे केवल हमें परेशान करने के लिए और हमें शर्मिंदा करने के लिए चलाया जा रहा है। करण जौहर ने आगे कहा कि मैं बता दूं कि मीडिया में क्षितिज प्रसाद और अनुभव चोपड़ा को मेरा साथी बताया जा रहा है। ये दोनों धर्मा प्रोडक्शंस के लिए काम करते हैं, लेकिन अपनी निजी जिंदगी में क्या करते हैं उससे धर्मा प्रोडक्शंस को कोई लेना देना नहीं है। करण ने बताया कि क्षितिज प्रसाद धर्माटिक एंटरटेनमेंट के एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जो कभी शुरू ही नहीं हुआ। वहीं अनुभव चोपड़ा तो धर्मा का हिस्सा भी नहीं है, कुछ समय के लिए किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में धर्मा से जुड़े थे। करण जौहर का कहना है कि वो उन पर लगातार अटैक से परेशान हो चुके हैं, ये गलत है और इसका असर उनके परिवार पर भी पड़ रहा है। गौरतलब है कि इस वीडियो का जिक्र करते हुए कंगना ने कहा था कि वीडियो में हर कोई क्या कर रहा है ये सबको साफ पता है, लेकिन फिर भी सब आंखें मूंद रखना चाहते हैं। ना कोई शराब की बोतलें दिख रही हैं, केवल एक गुड़िया दिख रही है जिसे छिपाया जा रहा है। वहीं लोग बार बार अपनी नाक साफ करते भी दिख रहे हैं। गौरतलब है कि सुशांत सिंह राजपूत केस में करण जौहर का नाम शुरू से जुड़ा है। माना गया कि करण ने सुशांत को बलि किया और उन्हें करियर को बिगाड़ने की कोशिश की, जिसे सुशांत सह नहीं पाए थे। बॉलीवुड की और भी इसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनवी न्यूज। एनवी न्यूज, रे ऑफ पॉजिटिविटी।